रखना है। सादिया क्या बात है यार, नाराज हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तू अब तक नहीं आई, कहाँ हो? आइंदा मुझे फोन नहीं करना, मैंने अपना रास्ता बदल लिया। नशे में उसको पता नहीं क्या क्या बोल गया, अब मैं भी वही करूंगा जो वो चाहती है। उसे शादी करने का बहुत शौक है, अब मैं उसका ये शौक जरूर पूरा करूंगा। कैसे हैं डॉक्टर साहब? हेलो मिस्टर नजर, हाउ आर यू? ऑलराइट, और ठीक ठाक? फाइन, प्लीज बैठे। और कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है बिल्कुल। और भाई कहाँ है? और भाई बहुत जरूरी काम से क्या विजय भाई आए थे, उनको पूछने के लिए इतफाक से इससे भी मुलाकात की। चाय पी के लिए आप? थैंक यू मेहरबानी, उसके लिए मेडिसिन लाया हूँ क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी ना, तो मैं नेक्स्ट डोर में आया था। मैंने चलो सर सर इसको डेटा भी जाऊँ। डॉक्टर साहब कभी हमारा भी ख्याल कर लिया करें, कभी जरूर करेगा, क्यों और सब ठीक ठाक ठीक ठाक है। आपके रिश्ते की बातचीत चल रही है? जैसे ही चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, मगर ये खास अमर भाई का मुझे ख्याल। ठीक है, आपको ये दवाई, दवाइयाँ तो मैं दे दूंगा, लेकिन ये कि इस बार जब दोबारा आइएगा तो मेरे लिए भी दवाई लाइएगा। ठीक है, चाय लाऊं फिर? नहीं नहीं थैंक यू। अच्छा तो ये टैबलेट दे देता हूँ। तुम ठीक कहते हो, मैं भी कुछ दिनों से तब्दीली देख रहा हूं। जब से उस असद नामी लड़के ने सादिया के साथ बदतमीजी की है, उसने घर से निकलना ही बंद कर दिया, वरना इस वक्त वो बाहर होती। ये तो अच्छी बात है, इस तरह उसमें तब्दीली तो आई, ये तो बहुत खुशी की बात है। हां ये वाकई खुशी की बात है, मगर तुम तो जानते हो सादिया को, वो एक लम्हे में अपना फैसला बदल देती है, बस इसी का धड़का लगा रहता है। सादिया कहाँ है? सादिया बेटे। यस पापा, अभी आई। आओ बेटा बैठो। थैंक यू अंकल। क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है आपकी? यस पापा, आई एम ऑलराइट। बेटा मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, पहले तुम्हारे चेहरे पर ऐसी उदासी नहीं देखी। नहीं अंकल, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। खुश हो बेटे, खुश हो। नजर हमारे साथ कहाँ है? हमारे साथ बहुत जरूरी काम थी, किसी काम से कमाल हो गया यार, जब भी आता हूँ, जब भी कहते हो कहीं गए हुए, 3 महीने हो गए रेंट दिए हुए। अरे विजय साहब रेंट भी मिल जाएगा, तशरीफ तो रखे हैं। छोड़ो बैठने को यार, रेंट तो पहले प्लीज। रेंट भी मिल जाएगा, तशरीफ तो रखे हैं, बैठे हैं तो। चलो मैं बैठ गया। तो चाय वे चलेंगे? ना चाय को छोड़ो यार, चाय पी लेंगे। चलें चलेंगे। अच्छा चाय पिला रहे हो अभी आप? चाय भी दूंगा मैं आपको। चलो छोड़ो, पूरे हैं? पूरे आप गिन सकते हो। चलो तो क्या गिनना है? अच्छा बताओ बिस्कुट वगैरह है कुछ? ये बिस्किट भी है, चाय भी, आप बैठे ना भी लेकर। चलो लेके आओ। ओके। हेलो कौन? हाँ साहब सब ठीक तो है? क्या हुआ, कुछ राशन पानी कम हो गया है क्या? घी खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गई, क्या खत्म हो गया भाई? खुद तो कुछ कुछ काम कर लिया करो। अच्छा क्या हुआ, कुक को तो नहीं आपने दोबारा लगा दिया? आपको पता है अगर कुक अच्छा होगा तभी तो लोग आएंगे, तभी तो खाना खाया जाएगा भाई।
कमाल कर दिया आपने, मैं आपको पता है कि मैं किराया लेने के लिए आया हुआ हूँ। भाई ये बात मुझे जचनी रही। ओके अच्छा कोई बात नहीं, मुझे 10 मिनट का टाइम दोगे ना, मैं पहुँचता हूँ अभी, प्लीज वेट करो, मैं पहुँचता हूँ 5 मिनट में, प्लीज मुझे 5 मिनट का टाइम दो। विजय साहब कहाँ चले गए? उनके लिए चले गए, लगता है कि खाली मेरा पहले किराया लेने आए थे, उनके लिए चाय बनाई तो किराया लेके चले गए, अजीब बात है। मुझे फोन मत करना प्लीज सादिया, मेरी बात तो सुनो। कुछ और बाकी रह गया कहने के लिए? मेरे ख्याल में अब कोई और गुंजाइश नहीं है सुनने के लिए। प्लीज एक बार मुझसे मुलाकात कर लो, देखो अब इनकार नहीं करना। अच्छा मैं तुमसे नहीं मिल सकती, भूल जाओ कि कभी हम मिले थे। ठीक है भूल जाऊंगा, लेकिन तुमसे एक बार मिलने के बाद मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन याद रहे ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। हाँ बोलो क्या बात है, किस लिए बुलवाया है? सादिया मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, उस वक्त मैं नशे में था, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तो अब आपका नशा उतर गया है? हाँ सादिया अब मैं होश में आ गया, मैं उस वक्त गलती पर था, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। But I don't believe you anymore. तुम्हारी बड़ी कमी महसूस हुई है, मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकता, प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। आज पहली बार मैंने तुम्हें इतना संजीदा देखा है, लगता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। तो मैं क्या समझूं, तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तो मुझसे शादी करोगे? ऑफकोर्स व्हाई नॉट, हम आज ही अपनी नई जिंदगी का आगाज करेंगे और हम आज ही शादी करेंगे। अब इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे अपने पापा और अंकल को भी तो बताना है। सादिया हम तुम्हारे पापा और अंकल को सरप्राइज देंगे। लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं अपने पापा और अंकल के बगैर कैसे शादी करूंगी? ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, हम शादी के बाद उन्हें बता देंगे, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ।